सुप्रभात बच्चों, हम हमारी कविता हो गई। कौन सी कविता पढ़े अपन लास्ट क्लास में? अरमान। अरमान माने इच्छा, है ना। जो कौन से बच्चे हैं देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पढ़े हैं सब, फिर भी एक बार बता रही हूँ। ये बच्चे कौन से हैं जो वीर गति को, जो अपने देश के लिए बलिदान हो गए, और उनके बच्चे भी क्या करें, हमारी भी ये अरमान है कि हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। जो निराश है, जो आशा से उम्मीद छोड़ दिए हैं, वैसे लोगों को हम आगे लाएंगे, उनको उम्मीद जगाएंगे और उनके दिमागों को, उनमें निरुत्साह जो उत्साह नहीं है उनको उत्साह लाएंगे, और भारत माता के भूमि के लिए हम हमारा सर्वस्व लुटा देंगे। कुछ ना कुछ करें, आजाद हम क्या है, आजादी के दीवाने हैं, जो आजाद करने के लिए हम देश को आजाद करने के लिए हम मातृभूमि की सेवा करेंगे। हम वो बच्चे हैं जो हमारे धुन में हैं कि हम ये करके दिखाएंगे और उनका मान बढ़ाएंगे, अपने माता पिता का नाम बढ़ाएंगे, हमारा नाम बढ़ाएंगे, हमारा देश का नाम भी बढ़ाएंगे। ऐसा हमने ये कविता में पूरे 1 2 3 4 5 स्टैंजा पढ़े है ना, पैराग्राफ अनुच्छेद पढ़े। अब इसमें क्या दिया देखो, सुनिए बोलिए, कहाँ खाली प्रश्न है था, वो खाली चर्चा करने का है, क्लास नहीं, तो अपन जूम क्लास में करेंगे। फिर पढ़िए, मैं ये प्रश्नोत्तर मैं आपको दे दूंगी, उसके बाद लिखिए, मैं भी ये दो है ना जो भी इसमें से है, मैं तुम्हारे के प्रश्नोत्तर स्मार्ट बुक में लिखे जाएंगे, वो लिखना है। इसके मुहावरों का भी अर्थ मैं दूंगी, किसमें, जूम क्लास में बताऊंगी, ये वो स्मार्ट वन में नहीं रहता, इसमें जूम क्लास में आपको बताऊंगी। और भाषा की बात, नए दिए शब्दों में संज्ञाएं और उनके विशेषण रूप के रूप है, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना, ये शोक शोकिन ये दोनों का एक ही साथ वाक्य में प्रयोग आना, नाम नामी सुख सुखी, उत्साह उत्साही, वीर वीरता, ये भी अपन जूम क्लास में करेंगे। आप करने की कोशिश करो, सब मैं देने के बाद आप कैसा करेंगे, क्योंकि आप 8 में आए है ना बच्चों, तो आपको आना जरूरी है, अब 9th में जाने के बाद तो और बड़ा रहता, इसलिए आप ये करो। आपकी कविता लिखने का प्रयास करते हैं तो कविता के आगे, और एक आपको लिखना तो मन में कुछ आता है, कविता लिखेंगे करेंगे, देखो कभी कभी हम सोचते रहते, तो कभी पे आता है ना, अरे ऐसा है बोल के लिखने की चाह होती है, कभी कहानी भी लिखते हैं, कभी कविता भी लिखने की चाह होती है ना हमको इच्छा, तो अगर आता होगा किसी को तो लिखने की कोशिश करो। इधर जीवन में सबका कुछ ना कुछ अरमान होता है, जीवन में देखो हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इंसान का कुछ न कुछ अरमान होता है, इच्छा होती है, कभी कभी एक ही इच्छा दूसरे की पूर्ति में बाधक बन जाती है ना, हम कभी कभी चाहते भी है लेकिन वो पूरा नहीं होता। अपनी इच्छा पूरी करते समय दूसरों की इच्छा का ख्याल रखना सज्जन पुरुष का गुण है ना, अपनी भी इच्छा पूरी करना और उसमें कुछ कष्ट नहीं आना, दूसरों को दुख नहीं होना, दूसरों को बाधा नहीं होना, उनको कष्ट नहीं होना, उनका दुख नहीं, उनका मन दुख नहीं होना, ऐसा देखते हुए करने वाला इंसान ही महान कहलाता है। इस संदर्भ में आप अपने विचार बताइए, इसके बारे में आप अपने विचार बताइए, तो इसमें कैसा रहता, अपने विचार क्या है, इसमें विचार कि सही है ना, हम किसी की हमारी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देना, उनका भी मन खुश रहना और उनको तकलीफ नहीं होना, हमारे वजह से दूसरों को दुख नहीं पहुंचना, कुछ मन दुख नहीं होना, उनका कुछ किसी हद तक उनका दुख नहीं होना, वैसा करते हुए करें तो ही अपनी इच्छा का पूर्ति हो सकता है और हम वो काम पूरा भी कर सकते हैं, उसका यही विचार है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति जिसे आप अमर मानते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए, जो आप अमर मानते हैं मतलब देश के लिए जो लड़े हैं ना, अब देखे ना इधर कितने फोटोस है, यहाँ पर भी बताए, पिछले सेशन में भी बताई मैं, अपने देश के लिए कितने बलिदान त्याग करे, कोई जिसके जैसे, तो हमारे जैसे लोग तो कई गए, उसके हम नाम नहीं है, उसके हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमारे नाम बड़े बड़े नाम याद है उनके बारे में आप कोई तो भी एक इंसान का लेना और उसके बारे में आप क्या करना, वो अमर हो गए ना, अपन भी उनकी कविताएं मतलब पाठ पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में आपको क्या मालूम है वो 10 वाक्य लिखना, उनका फोटो भी लगाकर भी लिख सकते हैं गतिविधि में क्लास वर्क में, तो आपको मालूम हो जाता है कि किसी एक के बारे में आप किसी भी एक के बारे में, सेनानी स्वतंत्र सेनानी के बारे में
आप लिख सकते, तो आप वो फोटो लगा के आप लिखना है, समझ में है ना। ग्रामर तो आ गया आप लोग, यहाँ तक आया आप लोग, ग्रामर लास्ट ऐसे में दे संधि हो गया है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, तीन पढ़ाई। वृद्धि संधि पढ़ाई ना, वृद्धि संधि देखो, एक प्लस एक, एक एक, सुंदर प्लस ओधन सुंदरोधन, महा प्लस औषधि महाऔषधि आता होगा। अब कौन सा है यण संधि, यण संधि में प्रति प्रत्यक्ष को कैसा लिखेंगे, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, स्वागत सु प्लस आगत स्वागत, मातृभूमि मातृ प्लस अनुमति, उसको बोलते यण संधि। वो उसको विस्तार से मैं फिर एक बार आपको पाठ में ये पूरा होने के बाद आपको बाद में फिर से संधि एक बार पढ़ाऊंगी, इसका फार्मूला बताऊंगी, ठीक है। यण संधि समझ में आया ना, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, सु प्लस आगत स्वागत, मातृ प्लस अनुमति मातृनमति, समझ में आया। तो ये आप ये पहले से पूरा ये चार बताए वो देख लो, और ये कविता पढ़कर आप फिर कुछ डाउट है तो जूम क्लास में पूछना, जूम क्लास अटेंड करना, और स्मार्ट बुक लेके जाना, उसका जो टेस्ट पेपर दिए वो भी लिखना, और प्रोजेक्ट पर दिए वो भी पूरा करके लाके देना बच्चों जल्दी जल्दी, तो आपको अंक मिलेंगे। आपको इसके अंक देना है ना, तो अंक पाते ही आप अगले क्लास में जा सकते बड़ी परीक्षा करके, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप रहना अटेंड, समझ में आया बच्चों। धन्यवाद।